आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह, आप लाजवाल न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम आपको एक सनसनीखेज़ खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। जी हाँ, पुंछ की तहसील सुरनकोट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ZEPO हैं, उन्होंने आज सुरनकोट में उन्होंने एक स्कूल का विज़िट किया है। और वहाँ पर जब वो स्कूल में पहुँची और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और दीगर जो मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पर टीचर्स के साथ, साथ के साथ और मुकामी मस्जिद के इमाम के साथ भी मिसबिहेव किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर स्कूल की इंस्पेक्शन भी की और साथ ही साथ स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि ZEPO सुरनकोट की तरफ से जो स्कूल इंतज़ामिया है, वहाँ का अमला है, उसके साथ मिसबिहेव भी किया गया है। आपको एक मुख्तसर सी वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें सुरनकोट की जो ZEPO हैं वो क्या कह रही हैं, ज़रा ये क्लिप आप देखिए। और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, ये बदलो पैर, आपके देखो शक्ल, देखो इसकी सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है। और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, ये बदलो पैर, आपके देखो शक्ल, देखो इसकी सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, सर और सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, ये बदलो जावेद पैर, आपके देखो शक्ल, देखो इसकी सबसे बड़ा मिलिटेंट ये है, सर इसी मुनासबत से मुफ्ती पुंछ मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मामले की कड़े अल्फाज में निंदा की और कहा कि इस तरह के जो बयानात हैं वो नहीं आने चाहिए और इंतज़ामी लेवल पर अगर कोई बैठकर ऐसे बयानात देता है तो उसे फौरन जो ज़िला इंतज़ामिया है, ख़ासतौर से डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, उन्हें इस पर नोटिस लेना चाहिए और ऐसे ऑफिसर को जल्दी से जल्दी इस मामले की पूरी तहकीक करनी चाहिए और उन्हें इस ओहदे से भी हटा देना चाहिए। दिखाते हैं आपको मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये इक्तबासात। रहीम, आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, इसका वाहिद मकसद ये है कि अभी कल ही का दिन है, यहाँ हमारा धुंधक से पार कानी खोड़ी में वहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है और स्कूल भी चल रहा है। मंजर इस्लाम मदरसे का नाम है और वहाँ दो मस्जिदें भी हैं और उसके साथ साथ वहाँ यासीन इंग्लिश स्कूल भी चल रहा है। तो आप कल ही की बात है कि वहाँ ZEPO सुरनकोट वो वहाँ पे गई और जा करके, चलो खैर जो कानूनी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए थी तो उसमें तो हम नहीं रोकते, वो करते रहे, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे नहायत ऐसे अल्फाज कहे जिससे फसाद भड़कने का बहुत बड़ा जो है वो यकीन कामिल है, क्योंकि ये तो कुदरती तौर पे वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग नहीं थे जिसकी वजह से एक हादसा होते होते रुक गया, वरना उसकी अहमकाना बातों से और बेवकूफ़ी की वजह से जो है बहुत बड़ा एक फसाद होने जा रहा था। पहला काम ये किया कि वहाँ के हमारे मौलाना साहब हैं, मौलाना आशिक साहब जो हाफिज़ भी हैं और आलिम व फाजिल भी हैं, एक तो उनको उन्होंने दहशतगर्द का मिलिटेंट कहा, ये बात तो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करें, दाढ़ी रखने क्या मिलिटेंसी है ये, और दाढ़ी रखने क्या हिंदुस्तान के कानून के अंदर है कि दाढ़ी बिल्कुल ना रखी जाए यहाँ पे। तो अब ये इस तरह के सरफिरे लोग जो हैं वो बहुत बड़े मसाइल खड़े कर देते हैं, एक तो मिलिटेंट का वहाँ के बाकी जो टीचर्स थे उनको भी कहा और उन मौलाना साहब को भी कहा, मदरसे के अंदर जा कर के भी बदतमीज़ी की और उसके बाद वहाँ स्कूल के अंदर भी, वो सारी की सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। और उसके बाद फिर इससे ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि वो जूते पहन करके मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, ये किसको इसकी इजाज़त है कि मस्जिद और जो मज़हबी मकामात हैं वहाँ जूते पहन करके सारे लोग कदर करते हैं। तो इस तरह के जो एक इक्का दुक्का जो अनासिर हैं उनकी वजह से जो है ये मज़हबी रवादारी ख़त्म होती है, भाईचारा ख़त्म होता है और इस तरीके से फिर वो नफ़रतें आपस में जो हैं वो पैदा होती हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़े लोगों ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा रखा हुआ है और अच्छी बात है, पुंछ की तो मिसाल दी जाती है। अब हमारी DC SP साहिबान दोनों हज़रात जो हैं वो नए हैं, अभी उनको जो है वो पूरे तरीके से मालूम हो जाएगी, खैर आहिस्ता आहिस्ता पुंछ की, हमारी उनसे ये दर्दमंद दाना गुजारिश है कि आप इसको बहुत सीरियस लें और ZEPO को सुरनकोट से फौरन हटाया जाए, जितना जल्दी हो सके उसको हटाया जाए और हटा करके कहीं और उसे तैनात करें, और ताकि ये इस तरह का फितना फसाद हरगिज़ ना हो और इस तरह के अनासिर पे, इस तरह के लोगों के, उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो, किसी फ़िरके से हो, किसी मकतबे फ़िक्र से हो, हमें उससे लेना देना नहीं, बल्कि इस तरह के शर पसंद अनासिर
किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे के अंदर कहीं भी हों, उनके ऊपर नज़र रखी जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, तो उनको हटाया भी जाए और कानूनी कार्रवाई भी की जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमारी इस आवाज़ के ऊपर जो है वो अमल होगा और डीसी एसपी साहब जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो अमल करके जल्द अज़ जल्द ये इसके ऊपर पेशरफ्त करके और उसको वहाँ से हटाएंगे भी और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसी मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो ये सारा वाक्या जो था ये यासीन इंग्लिश मीडियम स्कूल है धुंधक में, वहाँ पर पेश आया। और इसी मुनासिबत से जब हमने यासीन इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो इंतज़ामिया है, उनके नाज़िम हैं अब्दुल रहमान, उनके साथ बातचीत की और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है कि कल 3 बजे के बाद हमारा एक स्कूल है यासीन इंग्लिश स्कूल धुंधक खानी खोड़ी, पिछले 10 सालों से वहाँ काम कर रहे, आज तक किसी भी शिकायत का मौका भी नहीं हुआ है। जितना भी लोग है उसका साथ रहने वाला या उसमें पढ़ने वाला, सब इसके साथ जो है कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और इसका तादाद बहुत कम भी है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से वहाँ लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। साथ साथ हमारा मदरसा भी है वहाँ पर और मस्जिद भी है। ये ZDPO सुरंगकोट, इन्होंने पिछले 1 महीने हो गया हमारा स्कूल से जो जाने वाले बच्चे हैं उसका सर्टिफिकेट काउंटरसाइन करवा के नहीं दे रहे, और हमारा स्टाफ को, प्रिंसिपल को लेके बाकी जितना भी स्टाफ है, 5-6 स्टाफ को हर दिन उनका काम यही है, सुबह से जाना ZD ऑफिस में बैठना और जब वहाँ बिठा के कभी खड़ा करते घंटों तक, उसका बाद बाकी लोगों से भी यही बयान देते हैं आप लोग चोर है, यहाँ से ये पैसा इकट्ठा करने का काम यही है, आप लोगों की वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे। देखिए सर, हम जो स्कूल चला रहे किसी का स्कूल बंद करने के लिए नहीं, हम अपना काम कर रहे, मेहनत कर रहे, पढ़ाई है तो बच्चे वहाँ पर स्कूल में आएंगे। जब इस तरह का बयान भी जब देते हैं, इसमें भी ये तसल्ली नहीं है, एक एक दिन एक एक कारण बोल के स्टाफ को वहाँ पकड़ के रखते हैं और लास्ट में यही बताया मुझे आपका स्कूल इंस्पेक्शन करना है, उसका बाद आपका सर्टिफिकेट साइन करके देंगे। फिर हमारा टीचर भी उनको वेलकम किया, आप आइए हमारा स्कूल इंस्पेक्शन कीजिए, और मंडे वाले दिन जो इसी पीछे इसी हफ्ते में मंडे को आना था, मंडे में नहीं आया, ट्यूसडे भी नहीं आया, वेनसडे भी नहीं आया, हम हर दिन फ़ोन करते हैं क्योंकि परेशानी यही है, बच्चों को सर्टिफिकेट काउंटर साइन करवा के देना है और कोई बात नहीं है। फिर कल शाम को 3 बजे वहाँ पर आके हमारा टीचर्स के साथ जो बिना मतलब, जो मतलब की बात नहीं है, वहाँ दफ्तर में बैठ के हमने उनको वेलकम किया, प्रिंसिपल का चेयर पे ही बिठाया, हमने पानी वगैरह का भी इंतज़ाम किया, लेकिन ये सब को इनकार करके ही वहाँ हमारा टीचर्स के साथ बहस करने लगा। साथ में एक छोटा सा कमरा है उसका पूछने लगा ये बंद करके क्यों रखा है। टीचर्स ने बताया वो हमारा कुछ पुराना चीज़ें है उसमें, वो कोविड का टाइम पर जो कुछ टीचर्स था उनका भी कुछ सामान और बाकी स्कूल का भी कुछ सामान पड़ा है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये इसका चाबी पूछने लगा तो चाबी पूंछ में मेन स्कूल में है, हमने वैकेशन था, विंटर वैकेशन का टाइम, वहाँ पर छोड़ के चले गए, आज तक वो चाबी हमने लिया नहीं, हमें उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ा। लेकिन ये जब बयान सुना तो उसने आगे यही बोलने लगा, आपने इसका अंदर बंदूक रखा है, मिल्टन को आप रखते हैं और आप इसमें लड़कियों को बंद करके रखते हैं और लड़कियों को बुलाते हैं, इस किस्म का काम आप इधर कर रहे और बाकी जो स्टाफ है स्टाफ को ये भी बुलाया, आप बड़ा मिल्टन है स्टाफ को नहीं, इवन जो प्रिंसिपल है उसको बोल रहे, उसका शक्ल देखो, ऐसे वीडियो भी है और उसमें यही बता रहे हैं आप इनका शक्ल देखो, शक्ल से ही पहचान लेते हैं ये बड़ा मिल्टेंट है। और जो सरपंच सर आए वहाँ पर उनको भी यही कहा, बाकी जो आवाम है उनको भी यही कहते रहा, लेकिन बहुत मुश्किल से ये बात हमने बाहर तक नहीं भेजा। लेकिन आज हमारा स्कूल का रिकॉर्ड वगैरह सीज करके और तरीके से इनको बयान दे रहे हैं,
पता नहीं इसका इंस्पेक्शन का कहां से ऑर्डर आया, किस बेस पे इंस्पेक्शन है, आज तक हमें उसका कोई मालूम नहीं है। क्या एक स्कूल विथ परमिशन के साथ, सीईओ का परमिशन है, डिपार्टमेंट का, उनका खुद का परमिशन है, 10 साल से आज तक वहाँ से जो बच्चे फारी हुए उनका काउंटरसेंड करके दिया, लेकिन आज क्यों इनको ऐसे हो गया वहाँ पर इंस्पेक्शन करने का, हमें उसका आज तक कोई इतला भी नहीं है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, इसका प्लानिंग क्या है? सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने इसकी जो शिकायत है, जो कंप्लेंट किसी ऑफिसर के साथ की? हाँ, ये जब इंस्पेक्शन चल रहा था मुझे भी फ़ोन आया, इसका चाबी पूछ के मैंने बोला ये मेरा शेल्फ में है और मैं रजौरी से आ रहा हूँ, मेरा ड्राइवर साथ, वो भी साथ में थे, उनको भी पूरा वाक्य पता है। लेकिन मैं जो इनका वीडियो, इनका लाइव सुन के, इनका बातें सुन के मैं भी किसी ऑफिसर से बात करने लगा और सिया साहब को भी मैं फ़ोन किया, लेकिन नंबर नहीं उठा रहा था। और बाकी जो भी ऑफिसर है, जो डीपीओ सर है, उनको फ़ोन किया, वो बोला मैं एक दिन पहले मेरा रिटायरमेंट हुआ है, अब मुझे इनको फ़ोन नहीं कर सकता है। और बाकी जो हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल सुरंगोट है उनसे भी ये बात हमने पहुँचाया, उन्होंने भी यही बात कहा, उस लेडी से हमारा बात नहीं बनती है और आप डीसी साहब से फ़ोन करो, डीसी साहब से मिलो। लेकिन डीसी साहब भी, आप लोगों को पता है, नया ऑफिसर आया है और मैं भी मौके पे नहीं था, इसलिए मैं डीसी साहब से फ़ोन नहीं किया। लेकिन यहाँ पहुँच के जो हालात जो है वो सुनने में ऐसे आए, ये जो ZDPO खुद मस्जिद में भी, वहाँ जो लोगों का मोहल्ले का मस्जिद है वहाँ जाकर भी हमारा स्कूल का ख़िलाफ़ भी बात किया है। और हम जो लोगों को एक एक चीज़ बांटते हैं और उसको स्कूल बुलाते हैं, इस तरह का बयान, बिना मतलब की बयान वो किया है वहाँ पर, और मस्जिद के अंदर जूता पहन के भी गया है, उसके लिए वहाँ का इमाम साहब और जो बच्चे पढ़ रहे वो भी गवाह है, वो भी अपना बयान देते होंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ का जितना भी आवाम है, मोहल्ला लोग है, जिसको पता चला वो भी बहुत गुस्से में है, मस्जिद में जूता पहन के कौन जाएगा वहाँ पर, इस तरह का सवालात है। इसमें मेरा यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, आप इसमें फौरी तौर पर इंक्वायरी कीजिए और जो भी है इसमें मिस्टेक, चाहे स्कूल वाले हो, जो डिपार्टमेंट से जो आया है ZDPO, अगर वो खुद गलत है तो उसको वहाँ फौरन अरेस्ट कीजिए, या इनके ऊपर कोई भी एक्शन हो जो कानूनी तौर पर जो है समाज का भी स्कूल का भी देखे, वो एक्शन कीजिए। और नहीं है तो ये सिचुएशन जो है अगर आवाम के पास पहुँच गया, ये सिचुएशन बहुत ख़राब होंगे। तो नाज़रीन, ये ख़बर आप तक पहुंचाने का हमारा वाहिद मकसद ये था कि एजुकेशन एक ऐसा महकमा है जो बच्चों पर असरात डालता है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का सीधा ताल्लुक जो है वो समाज से होता है, सोसाइटी से होता है। हमारी सोसाइटी के मामार, कौम के मामार जो हैं असातिज़ा को कहा जाता है, और असातिज़ा के जो हेड्स हैं यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर्स, अगर इस तरह से बिहेव करेंगे और इस तरह की उनकी भाषा होगी, ये लैंग्वेज होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट तो बदनाम होगा ही, साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर भी कहीं ना कहीं इंतशार पैदा होने के खदशात रहते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के ऑफिसर्स पर ज़िला इंतज़ामिया पुंछ जल्द कार्रवाई करेगी और इस मामले को संजीदगी के साथ लिया जाएगा और जितना जल्दी मुमकिन हो पाएगा इन ZDPO साहिबा पर कार्रवाई ज़रूर होगी। इसी के साथ अब दीजिए सैयद नियाज़ शाह को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।